साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, जैसे मैंने चैनल के ऊपर माता काली जी की बहुत सी पहले साधनाएं डाली हुई है, माता काली जी को सिद्ध करने के मंत्र और माता काली जी के आपके कष्टों को हरने वाले मंत्र, माता काली जी की सट्टा साधना, बहुत से शावर मंत्र भक्त जनों मैंने चैनल के ऊपर डाले हुए हैं। लेकिन आज जो मैं भक्त जनों आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ, माता काली जी का रक्षा करने वाला धागा, अगर आप इस विधि के अनुसार, जैसे भक्तजनों में आपको आज दिखाने जा रहा हूँ, अगर आप इसी विधि के अनुसार माता काली जी का आप धागा बनाएंगे तो आपकी हर विपत्ता से रक्षा करेगा माता काली जी का धागा। और इसको आप खुद ही बना सकते हैं, इसके लिए आपको भक्तजनों किसी साधक किसी तंत्र के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही बनाएं अपने घर में माता काली जी का ये रक्षा करने वाला धागा। और यह जो धागा होगा भक्तजनों आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेगा, किसी प्रकार की वही कोई भूत बाधा है कोई बुरी आत्मा का अगर आपके घर में वास है तो ये आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेगा माता काली जी का ये धागा। और इसके अलावा भक्तजनों अगर आपकी कोई गाड़ी वाहन बाहर बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो रही है तो उसके ऊपर भी भक्तजनों आप जो मैं आपको ये धागा बनाना सिखा रहा हूँ आप उसके ऊपर भी बांध सकते हैं, तो उसकी भी रक्षा करेगी माता काली जी की शक्ति इस धागे के द्वारा। और इसके लिए भक्तजनों आपको एक मंत्र का जाप करना पड़ेगा, केवल एक शनिवार में जाप करने से ही आप जे धागा माता काली जी का तैयार कर सकते हैं, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसी विधि का प्रयोग करेंगे तो पूर्ण रूप से माता काली चारों दिशाओं में हर बुरी बाधा से आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेगी, आपकी आपकी गाड़ी की आपकी वाहन की आपके बीवी बच्चों की पूर्ण रूप से माता काली रक्षा करेगी इस धागे के द्वारा। तो भक्तजनों जो जो आपने धागा तैयार करना है इसकी मैं अब आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ। और इसके लिए आपको क्या सामग्री चाहिए, किस विधि के अनुसार आप ये धागा तैयार कर सकते हैं तो भक्तजनों मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ। इसके लिए भक्तजनों आपने शनिवार वाले दिन माता रानी की जोत को प्रचंड करना है अपने घर के बने मंदिर में, और इस धागे को आप सुबह भी तैयार कर सकते हैं और शाम को भी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले भक्तजनों आपने माता रानी की जोत को प्रचंड करना है, आप देसी घी की जोत भी लगा सकते हैं और सरसों के तेल की जोत भी भक्तजनों आप लगा सकते हैं। और उस जोत के पास माता रानी को जो आपने भोग लगाना है जिससे इस धागे की शक्ति बढ़ेगी, उसके लिए भक्तजनों आपने एक बनानी है देसी घी की देग, देसी घी का थोड़ा सा भक्तजनों आपने हलवा बनाना है और हलवे के ऊपर भक्तजनों जोड़ा रखना है आपने लड्डूवन का, बूंदी वाले बेसन वाले जोड़ा लड्डूवन का आपने उस देग के ऊपर आपने रखना है, और जोड़ा ही भक्तजनों आपने रखना है लोगों का। और उसके बाद भक्तजनों ये जो देग है माता रानी की और ये जो लड्डू हैं और ये जो लोग हैं उस जोत के ऊपर से भक्तजनों सात बार वारें, माता रानी की जोत के ऊपर थोड़ा सा ये जो हलवा है थोड़ा सा लड्डूवन का भोग आपने उस जोत के ऊपर माता रानी को अर्पण कर देना है। और उसके बाद भक्तजनों ये जो कढ़ाई है उस जोत के पास रख दें, और जोत के पास जब आपने भक्तजनों ये धागा ये तैयार करना है तब एक जल का कमंडल किसी गिलास में जल डालकर आप जोत के पास रख लें। और उसके बाद भक्तजनों जो मैं आपको इस धागा बनाने की ये विधि बताने जा रहा हूँ और इसका जो शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ तो आपने वहीं पर बैठकर ये धागा तैयार करना है, किसी विधि के अनुसार भक्तजनों ये मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। इसके लिए भक्तजनों देखिए आपने एक
ब्लैक धागा लेना है। तो भक्तजनों, माता रानी की जोत प्रचंड करने के बाद, भोग प्रसाद अर्पण करने के बाद माता रानी को, उसके बाद आपने स्वच्छ होने के बाद माता रानी के मंदिर में बैठकर आसन के ऊपर बैठने के बाद भक्तजनों उसी जोत के सामने, ज्योति प्रचंड होनी चाहिए भक्तजनों सामने, जब आपने ये धागा तैयार करना है। तो आपने भक्तजनों एक एक बार इस धागे के ऊपर मंत्र जाप करते रहना है और एक एक गांठ लगाते रहना, जैसे भक्तजनों जय मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए भक्तजनों, ऐसे आपने ऐसे गांठ लगाने के बाद पहले इसके ऊपर आपने एक मंत्र का जाप करना, ऐसे आकाश बांधू, पताल बांधू, लगे लगाए किसी के शब्द बांधू, भूत बांधू, नींद बांधू, सिठ मुठ बांधू, बारह जाता बांधू, पानी भरती भन्यार बांधू, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखा माता काली तेरे धागे ताबीज की शक्ति का तमाशा। और उसके बाद भक्तजनों इसके ऊपर आपने एक हुक लगा देनी और इसको ऐसे गांठ दे दी। उसके बाद फिर से भक्तजनों इसी विधि के अनुसार, जैसे मैंने मंत्र बोला है, काश बांधू, पताल बांधू, लगे लगाए कि शब्द बांधू, भूत बांधू, नींद बांधू, सिठ मुठ बांधू, पानी भरती बनार बांधू, बारह जाता बांधू, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखा माता काली तेरे धागे ताबीज की शक्ति का तमाशा। ऐसे आपने फूक लगाते रहना और सात गांठें भक्तजनों आपने इसी विधि के अनुसार भक्तजनों एक एक मंत्र का जाप करते हुए आपने इसी विधि के अनुसार भक्तजनों सात गांठें इस धागे के ताबीज के ऊपर भक्तजनों आपने लगा देनी है। और उसके बाद भक्तजनों इस धागे को आप देखिए, आप अपने गले में डाल सकते हैं भक्तजनों इस धागे को, और अपनी कलाई पर बांध सकते हैं, अपनी गाड़ी वाहन के ऊपर बांध सकते हैं। तो माता रानी जी इस विधि के द्वारा, इस शक्ति के द्वारा भक्तजनों पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करेगी। ऐसे बनाया जाता है भक्तजनों माता काली जी का रक्षा करने वाला धागा। आप खुद ही बनाएं, इसके लिए आपको किसी तंत्र, किसी साधक के पास जाने की भक्तजनों ज़रूरत नहीं, किसी को पैसे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। आप खुद ही ये रक्षा करने वाला ताबीज तैयार करें। और ये जो कड़ाही है भक्तजनों, जिस व्यक्ति के आप ये धागा डाल रहे हैं, तो उसके ऊपर से वारने के बाद सात बार भव किसी दरवेश को, कुत्ते को डाल सकते हैं आप। और जिस भी भक्तजन को आपने ये धागा देना है, इसकी शक्ति तभी चलेगी भक्तजनों, उस भक्त को भी कहें कि आप थोड़ा सा देसी घी का माता रानी के नाम का हलवा बनाएं और जोड़ा लड्डूओं का रखें और जोड़ा लौंगों का रखें केवल एक बार। तो शनिवार वाले दिन वह भक्त अपने सर के ऊपर से वार कर वह किसी दरवेश को, कुत्ते को डाल दे। इससे माता काली का उस व्यक्ति के ऊपर पूर्ण रूप से पहरा रहेगा, माता काली की शक्ति उसकी पूर्ण रूप से रक्षा करेगी। अगर आपने किसी गाड़ी वाहन में इसको बांधना है, तो आप अपनी गाड़ी वाहन के ऊपर से भी उस कड़ाही को बारने के बाद आप दरवेश को, कुत्ते को डाल सकते हैं, तब भी ये जो धागा है माता काली जी का पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करेगा। तो भक्तजनों, जो मैंने माता काली जी की आपको जे विधि बताई है धागा बनाने वाली, जे आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेगी। और जो भक्तजन गद्दी का, भगदाई का काम करते हैं, झाड़ फूक का काम करते हैं, तो मैंने जो इस वीडियो में जे मंत्र बताया है, अगर उस मंत्र का जाप वो करते रहेंगे नित्य कर्म अनुसार एक माला का, तो वह किसी भी व्यक्ति को ये धागा बनाकर उसके गले में डाल सकते हैं, तो उस व्यक्ति की पूर्ण रूप से रक्षा करेगी माता काली जी इस धागे के द्वारा। माता रानी के भक्तजनों, जैसे मैंने आपको माता काली जी का ये धागा बनाने की विधि, ये विद्या आपको बताई है, इसी तरह से आप चैनल के माध्यम से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि भक्तजनों जितनी भी हम विद्या बांटते हैं किसी लोभ लालच के बिना, तो भगवान हमारे ऊपर उतनी ही कृपा बनाई रखते हैं। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से नई नई विधि, नई नई साधनाएं, नई नई विद्या लेकर आपसे भक्तजनों फिर मिलते रहेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।